नमस्कार, समाचार क्यारी से प्रिया शर्मा, संध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की महाबलीपुरम में हुई मुलाकात, शुरू होगा दोस्ती का नया दौर। कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में 500 आतंकी, सुरक्षा बल सतर्क। बीजेपी 13 को जारी करेगी हमारे सपनों का हरियाणा, संकल्प पत्र के साथ दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक नरेश कौशिक की पत्नी संतोष कौशिक भी चुनाव प्रचार अभियान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने शहर के कई हिस्सों का दौरा करते हुए न केवल अपने पति के लिए वोट मांगे, बल्कि शनिवार को बहादुरगढ़ में होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विजय संकल्प रैली के लिए भी न्योता दिया। बहादुरगढ़ विस क्षेत्र की नियुक्त पोलिंग पार्टी की रिहर्सल झज्जर में 13 व 14 को होगी। पंचकुला कालका में भी कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर, पंचकुला से परचम लहराने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन रहेंगे, वहीं कालका से परचम लहराने के लिए प्रदीप चौधरी और लतिका शर्मा रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिरसा की 500 सीटें भाजपा ही जीतेगी। सीएम मनोहर लाल ने गोपाल कांडा और भाजपा छोड़कर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले गोकुल सेठिया का नाम लेते हुए उन पर निशाना साधा। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र सिर्फ दिखावे के लिए पेश किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए छटपटा रही है। पीएम मोदी चरखी दादरी से 16 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दादरी की दोनों विधानसभा सीटों के साथ साथ महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक एवं भिवानी जिले की विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रामबिलास शर्मा ने पूर्व हुड्डा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के 8000 युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है।